जय बोलिए आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। जैसा आप सभी को पता है कि आज अक्षय तृतीया का पावन दिन, भगवान आदिनाथ का प्रथम आहार आज के दिन हुआ और उसी दिन से ये दान की प्रक्रिया शुरू हुई। आज उसी कड़ी में सभी मंदिरों में जो इक्षु रस का वितरण किया जा रहा है, जहाँ जहाँ आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी है, उन सभी को आहार दिया जा रहा है। आज आदिनाथ चैनल पर जिसका सीधा संपूर्ण प्रसारण आप सभी आज सुबह के आहार का, आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज का जो राजा बाजार कनॉट प्लेस जैन मंदिर में हुआ, उसका प्रसारण आप सभी के समक्ष आज ही किया जा रहा है कि आप सबको पता लग सके कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण दिन हम सभी के लिए है। मेरा निवेदन गुरुदेव के चरणों में कि आज का ये जो पावन दिन है, इसके बारे में आप बता करके और सभी पूरे देश जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो सभी जाने कि अक्षय तृतीया का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोधा आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज के चरणों से। अक्षय तृतीया का महत्व यही है कि इस दिन जो है हमारे प्रथम तीर्थंकर का जो है आहार हुआ था इच्छु रस के माध्यम से। तो दान का महत्व है अक्षय तृतीया का। अक्षय जो तिथि क्षय रहित हो गई, और इसका यह महत्व है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान करता है या कोई भी श्रेष्ठ कार्य करता है, उसके कार्य की सिद्धि होती है। जैसे आदिनाथ भगवान के लिए आहार दान हुआ तो राजा श्रेयांश की दान की सिद्धि हुई और दान तीर्थ की स्थापना हुई। इस युग में प्रथम आहार आदिनाथ का हुआ और दान तीर्थ की स्थापना हुई, ये अक्षय तृतीया का महत्व है। और आज के दिन आप जो भी श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, जैसे घर का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, कोई भी नया काम करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको किसी से तिथि मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी अच्छा श्रेष्ठ मंगल अच्छा कार्य हो आपके जीवन के लिए, आप इस दिन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा महत्व है। यह तिथि अक्षय रूप में हो गई, अक्षय निधि को देने वाली हो गई। आत्मनिधि, ज्ञान निधि, धन निधि, हर प्रकार की निधियाँ इस दिन प्राप्त हो जाया करती हैं, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। हम सब लोग ऐसे अक्षय तृतीया को अपने जीवन में किस प्रकार से प्राप्त करा सकते हैं, अर्थात लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो आचार्यों ने कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन हम सब लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार नियम से इस दिन जो है हमारा दान निकलना चाहिए। जितना दान निकलता है उतना ही हमारे जीवन में लाभ की प्राप्ति होती जाती है। इस अक्षय तृतीया का प्रभाव अपने जीवन में आप देखें दान करके। इस अक्षय तृतीया का महत्व आप समझें, अपने जीवन में गुरुओं को दान या तीर्थों में दान दे करके लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। यही अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन क्या करें और क्या ना करें, कुपात्रों को दान नहीं देना है, खोटा दान नहीं देना है, मिथ्या दान नहीं देना है, पाप में लगे ऐसा दान नहीं देना है, अपना धन व्यय हो ऐसा काम नहीं करना है। आज के दिन आप जो हैं मुनिराज के यहाँ पर जाएँ, चौका लगाएँ, अपनी निज धन से, निज शक्ति से उनको आहार दान दें, औषध दान दें, जिस चीज़ की आवश्यकता हो उनको दें, पुस्तक की, कॉपी की, पेन की, शास्त्र की, जिस चीज़ की उनके साधना में साधना बने, साधक बने, ऐसी वस्तुओं को दान दें। आप इच्छु रस का वितरण भी करवा सकते हैं, अपने आस पड़ोस रहने वाले जो भी अहिंसक लोग हैं उनको इच्छु रस भी दे सकते हैं और मंदिरों में भी इच्छु रस का वितरण करा सकते हैं। इसका महत्व बताएं कि हमारे प्रथम तीर्थंकर का जो आहार इच्छु रस, इच्छु अपने आप में बड़ा पौष्टिक होता है, संपूर्ण आहार होता है। जैसे कई तीर्थंकरों का आहार दूध से हुआ है तो वो दूध अपने आप में पौष्टिक है, समस्त आहार उसमें समा जाते हैं। तो आप भी इच्छु रस की वितरण करा के प्रभावना कर सकते हैं, गुरुओं को भी इच्छु रस दें और जगह जगह जो है दान करके, अन्य तीर्थों में दान दे करके, पुराने मंदिरों में, पुराने जो मंदिर हो गए, तीर्थ हो गए, उनका जीर्णोद्धार करके, दान दे करके
आप जो है अक्षय तृतीया मना सकते हैं। जीर्ण शीर्ण जो ग्रंथ हो गए हैं उनका आप जो है संरक्षण करें, आप प्रकाशित जो पुस्तक हैं उनका संपादन करके संकल्प लें कि इसका हम संपादन कराएंगे और प्रकाशन करेंगे, ये भी करके आप जो है अक्षय तृतीया को मना सकते हैं। तो आपको गलत कार्य में पैसा नहीं लगाना है, सुपात्रों में और सत कार्यों में लगाना है, कुपात्रों में और जो गलत कार्य हैं उसमें पैसे नहीं लगाना, धन नहीं लगाना है। ऐसे हम अक्षय तृतीया को मना करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। और अंतराय रहित है, स्वीकारो आहार भक्ति भाव सहित है। सब दोष और अंतराय रहित है, स्वीकारो आहार भक्ति भाव सहित है। ऊंचे ऊंचे भजन आज गाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ऊंचे ऊंचे भजन आज गाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। Thank you.
जयकारा गुरु का लगाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं।